लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत रायपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में मंगलवार की सुबह मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली कलेक्ट्रेट परिसर से निकाली गई और अनुपम गार्डन में संपन्न हुई। बाइक रैली को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त जस्टिस टीपी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अनुपम गार्डन में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ सिंह ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, मतदान नागरिकों का अधिकार है। निर्वाचन के पर्व में मतदाताओं की बड़ी भूमिका होती है। नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म मूल वंश जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना देखिए हम लोग मतदाताओं को जागरूकता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान हो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं। उसी संदर्भ में खेल के मैदान से हम लोग मतदान की अपील कर रहे हैं। हमारी ये अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसमें 16 विभिन्न विभागों की टीमें मैदान पे अगले 8-10 दिन भिड़ेंगी और प्रतिदिन मैचों के माध्यम से मतदान करने की अपील करेंगी। तैयारी पूरी है। अब इस समय तो हम लोग स्वीप को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं। ज्यो ज्यो जो चरण आएगा उसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। मैंने बताया 16 खिलाड़ी हैं और अच्छी बात इसमें है कि इसमें महिला पुरुष की कंबाइंड टीम है। तो ये 16 है, इसका मतलब है 8 मैच होंगे, 8 के बाद फिर 4 मैच होंगे, फिर 4 के बाद 2 होंगे, उसके बाद फाइनल होगा। ये तो चुनाव के मतदान के बाद पता चलेगा, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, खेलों के माध्यम से जुड़े, प्रभात फेरी के माध्यम से जुड़े, चिट्ठी के माध्यम से जुड़े, तमाम तरीकों से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। देखिए भारत निर्वाचन आयोग की मंशा है कि लोकसभा चुनाव में 100% मतदान हो, इसलिए मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास है। हमारे जिला नोडल स्वीप अधिकारी है विश्वदीप जी, उनका ये मानना था कि हम अगर बाइक रैली से सवेरे निकलना शुरू करेंगे तो ऐसे लोगों को जो जिन तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं पहुंचेंगे। ये रैली जब भी निकलेगी किसी एक मैदान में जाकर, किसी एक गार्डन में जाकर खत्म होगी, वहीं पर स्वीप की शपथ ली जाएगी और वहां जो लोग होंगे उनको भी जागरूक किया जाएगा और जहां जहां से गुजरेगी वहां लोगों का ध्यान आकर्षण करेगी निसंदेह रूप से मतदाताओं को जागरूक करने का। निसंदेह रूप से आपके माध्यम से जब लोगों को पता चलता है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी निकले हुए हैं, सुबह सुबह निकले हुए हैं, तो एक मैसेज जाता है। और इस यही नहीं, हम लगभग हर बच्चों के जो अभिभावक हैं उन तक पत्र के माध्यम से कलेक्टर की पाती पहुंच रही है आने वाले समय में, जिससे कि बच्चों से के माध्यम से भी गार्जियंस पे की वोट डालने जाएं। बच्चे उस दिन गार्जियंस को इस बात के लिए प्रेरित करें कि आज पहला काम वोट डालने जाना है और हम देखेंगे कि आने वाले समय में बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत, ये जो स्वीप की गतिविधियां चल रही हैं, इनको सफलता देगा। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सर लोगों पे? निसंदेह रूप से कोई भी काम किया जाता है, लोगों तक पहुंचा जाता है तो उसका असर दिखता है।